देखो जी, जगसीत सिंह खालसा जी साढ़े मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे, बहुत ही सत्कारयोग कांग्रेस के आगू ने। उन्होंने माता जी का देहांत हो गया सी, मैं आ नहीं सकिया पिछले दिन ही बाहर गया हुए, सो अज उन्होंने अज भाई जगसीत सिंह जी के दुकान पर पहुंचे। बहुत इन्होंने लोगों ने घालना कर ली है कांग्रेस पार्टी के वास्ते। कोई बंदा जिहड़ा कांग्रेस दा अगे नहीं लगाया गया, वो कदों नियुक्त की जा रही है? हल्के दे विच कोई इंचार्ज वगैरह जां कोई जिहड़ियां नियुक्तियां नहीं कीतियां गईयां, वो कदों नियुक्त की जा रही है? किसी भी हजे तक कोई इस प्रकार की कोई गल नहीं हुई। आने वाला समय के अंदर जो चुनाव होंगे ने, पार्लीमेंट के चुनाव होंगे ने, जदों विधानसभा के चुनाव होंगे ने, उदों फिर जिहड़े लोग अगवाई करते हैं, अदरवाइज जिहड़े ऑलरेडी लोग होंगे कांग्रेस के उही अगवाई करते हैं। प्रधान जी, दिल्ली के अपना समझौता किया जी कांग्रेस ने, पंजाब दे विच भी कोई हालात है यह जी? मेरी थानू बेनती है यार, कोई भी एक सवाल करन तो पहला उस सवाल की जड़ तक जाना बड़ा जरूरी है। कई बार साथी कोई भी सवाल तुसी लोग कर लेंगे, पिछले चार दिन तो यह चलाया पे है तुसी लोगों ने कि कोई समझौता हो गया, समझौता हो गया, समझौता हो गया। कांग्रेस पार्टी के प्रधान को अजे तक पता नहीं लगे, ठीक है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ते अमित शाह के खिलाफ, यानी कि भाजपा के इन दोनों आगुआ के खिलाफ लाइक माइंडेड पार्टियां 26 इकट्ठी हुई हैं। कादे वास्ते इकट्ठिया हुई हैं? देश नू बचाउण वास्ते, लोकतंत्र नू बचाउण वास्ते, देश के संविधान नू बचाउण वास्ते। उन्होंने इकट्ठे होके फैसला लिया कि असी सारे जाने रल के नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भाजपा सरकार के खिलाफ असी लड़ना है। केरला दे विच साढ़े नाल सीपीआई लड़ती है, सीपीएम कांग्रेस नाल सीधा टक्कर है। बंगाल दे विच ममता बैनर्जी दे नाल सीपीआई सीपीएम लड़ते हैं, दोवें पार्टियां उत्थे शामिल सन। दिल्ली के अंदर कांग्रेस आम आदमी पार्टी नाल लड़ती है, पंजाब के अंदर लड़ती है। इस विषय पर चर्चा ही नहीं कोई हुई, लेकिन पंजाब के कुछ मीडिया चैनलों ने, कुछ मीडिया साथियों ने इहदे ते अपनी चर्चा चला दी गई है। देश के अंदर कदे कोई गलत काम हुंदा है, बहुत सारी पार्टियां के आगू साहबाना ने जिन्हां नाल असीं अलग लड़े, जो राहुल गांधी नूं सजा हुई 2 साल की, तो लोगों ने उन्हां दी निंदा की, ईवन सिमरजीत सिंह मान वर्गिया ने की। ईरा मतलब किसी प्रकार का कोई सिमरजीत सिंह मान जी ना अलायंस थोड़ी हो रहा है, ठीक है। जब कोई अलायंस की गल होएगी, सद्दी ना बुलाई मैं मुंडे दी ताई, वह गल है। कोई कही जाता तुसी इधर आले बेंचा ते बह जाओ जी, तुसी तां इन्हां दे नाल बह जाओ जी, वह सारे तां तुसी रले फिरदे हो। नफरत भाजपा ना, क्योंकि देश के संविधान अज ईडी सीबीआई का की हाल है, तुहानू पता है व्यापारियों से भी ईडी लाती है भाई साहब, जीएसटी ईडी के तहत लिया, ये आने वाला समा दसूगा। मैं थोड़े राही पंजाब के व्यापारियों कहना चाहना, जीएसटी पहले ही इंस्पैक्टरी राज से, पहले जीएसटी वाले घूमते थे, जिस घरे ईडी आ गई उसके कारोबार की, उसके परिवार की समझ लो बर्बादी हो। वो कहते मोदी के राज में हिंदुस्तान तरक्की कर गया, तरक्की आप ही कर गया, तरक्की आप ही कर गया। जेड़ा मनमोहन सिंह जी के राज 45 रुपये डीजल हुंदा सी, 50 रुपये पेट्रोल हुंदा सी, अज वेख लो, लोगों को पुछ लो, अज गंढियां का भाव वेख लो, 350 का सिलेंडर हुंदा सी, 42 रुपये का अमरीका का डॉलर हुंदा सी, अज 84 रुपये का अमरीका का डॉलर है, तरक्की कर रहे हैं पूरा। वो कहते पाकिस्तान और जो मणिपुर दे विच होया ये भी तरक्की होनी है भाई साहब, जिस प्रकार दे हालात बने, 48 50 दिन बाद एक वीडियो सामने आई, देश के गृह मंत्री नूं और देश की पैरामिलिट्री फोर्सिस नूं जिहड़ियां उत्थे बैठियां सन, उन्हां नूं पता ही नहीं लग्या कि इस तरह 150 बंदे ने एक साडी औरत दे नाल, साड़ी उस भैन के नाल बलात्कार किया, उन्होंने किस तरह लेके गए। इस तरह की दरिंदगी पूरी दुनिया के विच पहली मिसाल जिहड़ी ये मणिपुर की घटनाक्रम है, जिहदे ते मोदी जी ने हजे तक
आपका कोई प्रतिकरम नहीं दिता। पुलवामा दे विच जो होया वो लोगों को पता है, उतों के गवर्नर ने दसता भी ये घटनाक्रम क्यों होया, ते मोदी दे प्रति जिहड़ी नफरत है वो इस करके कि किसान साडा 700 किसान उतों बार्डर तो मर के आया है। कच्ची गल कच्ची कच्चा सवाल नहीं करी दिंदा। 700 साडा किसान मर गया। अज जिहड़ा पग आला बंदा बेचारा जिहड़ा किसान है, चाहे वह हिंदू किसान है चाहे वह सिख किसान है, अज मोदी नूं जिहड़ा वोट पाउंदा है ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ, 700 ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਵੀ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ? ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। इंडिया लेवल ते मैं थोनू पंजाबी च दसदा, इंडिया लेवल ते एक समझौता होया लाइक माइंडेड पार्टी दा। साडा पंजाब दे अंदर तुसी अलायंस की गल करदे हो, तुहाडा कोई गठबंधन हो गया? साडा हजे तक किसी प्रकार का कोई गठबंधन ना होया, ना कोई इहदी तजवीज है। मैं थोनू आख्या कि पार्लियामेंट दे विच लाइक माइंडेड पार्टियां, हो सकदा इह वी होवे कि आम आदमी पार्टी भी लड़े ते कांग्रेस भी अड लड़े, पर लेकिन पार्लियामेंट दे विच मोदी नूं हराउण वास्ते इकट्ठे वोट पाउण, इह तां तुसीं कहानी बनाती ते कुछ कहानी कारण इह कहानी बनाती भी तुसीं इधर जाके बह जाओ। क्यों बह जाइए बई? सानूं इधर बहन का मौका दिता, तुसीं दो रह गए, दोवां चों एक ही रह गया, एक तां दाखे वाला भज गया, दाखे वाला सॉरी भज गया नहीं, उह वधिया आदमी है, उस व्यक्ति ने इन्हों की राष्ट्रपति वेले वोट नहीं पाई। तुसी ता वैसे भाजपा के खिलाफ गल करते हो, तो नरेंद्र मोदी जी नूं तुसी राष्ट्रपति की वोट पाने हो। अज भी उसे कोठी साडी हरसिमरत कौर भैन जी रहिंदे ने मंत्री वाली कोठी च, जिहड़ी कोठी उन्होंने कोल पहला सी, जो राजनाथ सिंह जी ने आके कहा वह भी तुसी जानते हो, जिहड़ा 9 मास का रिश्ता है वह भी जानते हो। अलायंस हो चुके है बीजेपी अकाली दल का, रस्मी तौर पर ऐलान होना बाकी है, शर्त यह रखी है भी सुखबीर बादल जी नूं लाओ ते प्रेम सिंह चंदूमाजरा नूं बनाओ प्रधान, ते विधानसभा च भी अद्धियां अद्धियां सीटां, वो इस गल ते पेचा फसिया प्रधान जी। फिर सानूं कहिंदे समझौता हो गया, थोड़ा आखे नाइया तेरे कबाल किड्डे किड्डे, कोई नाई नूं पुछदा भाई नवाल किड्डे किड्डे, नाई साहब नूं वो कहिंदा यार खड़ जा सामने आ जाणगे, 8 महीने नूं सामने आ जाएगा तुहाडे, पता लग जाएगा तुसी झूठ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि असीं बोल रहे हैं। प्रधान जी पंजाब दे विच जिहड़े हड़ा करके हालात जो बहुत ज़्यादा बद तो बदतर बने हैं, तो जिहड़े सत्ताधारी जिहड़े सीएम साहब आ उह कदे पंजाब दे विच हुंदे कदे बाहरों बह के जिहड़ा सोशल मीडिया से मैसेज पाउंदे आ भी जो हालात ते मैं नज़र बनाई हुई आ ते भी जिहड़ा स्थिति कंट्रोल च आ, तुसीं भी गए हो, की कहना चाहोगे? देखो गल ये है, ये साडा काम है कि हड़ा पीड़ितां दे कोले पहुंचना, सरकार एक बारी दौरा करके दफ्तर च बह के राहत समगरी पहुंचाउण दा काम करे, ਪਾਖੜਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਪਜਾਮਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਦਿਓ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5000 ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬਿਸਕੁਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹ NGOs ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ, सरकार दी कोई हजे तक राहत समगरी ते कोई चीज नहीं पहुंची। और ये पानी क्यों आया, संत सीचेवाल ने दसता, वैसे तो भी उन्होंने बंदा सीचेवाल साहब ने दसता, वीडियो आई टीवी ते आया कि इन्होंने सतलुज आला जे खदाई कराई होंगी टाइम ते
इन्हों सैकटरी साहबान कहते असं टेंडर करावे वो जो पुल है पुल की मिट्टी की खदाई कट करनी सी टाइम से इन्होंने क्या करो भाई सीचेवाल साहब कहते मैं इन्हू क्या करो ये कहते असी टेंडर लाया वे वो टेंडर लाया सी जिन्होंने टेंडर दिता उदों पानी आ गया वो डाफ लग गई पानी रुक गया पिंड रुक गए पुल टुट गए संत सीचेवाल कह रहे जो बंद ला रहा मेरे कहने का मतलब इस तरह होया नालियों की सफाई मौके सिर नहीं कराई 100-100 करोड़ रुपया देंदे होंगे सी सरकार बारिशों तो पहला फरवरी महीने च मीटिंग होंगी होंगी सी इस लैके बारिशों लैके फरवरी च जी मीटिंग ही जुलाई च की भाई साहब ने तो जो उन्होंने सफाई वास्ते काम शुरू कर लगे उदों मीह आ गए सफाई नाले की हुई नहीं मैं नहीं कहता कि पानी वो रोज कहते भगवंत मान जी सानू ये कहते पानी लाए पानी भगवंत मान जी नहीं लाए बारिश भगवंत मान जी नहीं लाए लेकिन अगर सफाई कराई होंगी नालियां दी समय से अगर मीटिंग की होंगी अगर सतलुज दरिया की पटाई की होंगी पुल के थले वो रेलवे पुल नहीं तो अज इन्ने बत्तर जिहड़े हालात है होने नहीं सी इन्ने हालात माड़े नहीं होने सी ठीक है जे 5-6 लाख किला एकड़ का नुकसान हो गया तो फिर 2-2 लाख का ही होना सी 4 लाख एकड़ बचाया जा सकता सी प्रधान जी तुसीं सारी चीज़ां मुआयना कर रहे हो सारी निगाह ते अख रख रहे हो बजट सैशन की मांग की क्योंकि 100 करोड़ तो देना नहीं 500 करोड़ नहीं देना घटो घट 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है हस्पताल डुब पे सड़कां पट्टियां गई स्कूल डुब गए ने बिल्डिंगा ढह गई ने हजारा एकड़ फसल मर गई है पशु मर गए ने बंदे मर गए ने घर डिग पे ने जेडे छोटे कारोबारी सी छोटिया दुकाना वाले राशन वाले बेचारे व्यापारी उन्होंने दुकाना च पैसे उन्होंने दुकाना च पानी वड़ गया सो केंद्र सरकार ने असं कहा कि 10,000 करोड़ का पैकेज दो इनू भगवंत मान जी ने कहा भी भाई बजट सैशन बुला बजट सैशन जिन्ना चिकर स्पैशल नहीं बनाएगा लोटस जरा मिशन लोटस वास्ते तो स्पैशल सैशन बुला लिया आदि बाबा वास्ते तो स्पैशल सैशन बुला लिया जरा कि गवर्नर ने कहता कि ये ठीक नहीं सी सैशन ये गलत बुलाया गया हुण जरूरत है कि अज बजट सैशन बुला बजट सैशन बुला के पंजाब सरकार दसे भी मैं इन्ने 1,000 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया जो मान साहब कहते बिना गिरदावरी तो दे देंगे पैसे इन्ने पैसे मैं देते किसानों ते आ लोगों की राहत वास्ते मैं इन्ना पैकेज रखे बजट तो बिना 33 करोड़ रुपया वंडिया हूं तक 33.5 करोड़ मुक्तसर जिले 1 करोड़ फलां 2 करोड़ बनता है 2 करोड़ का कुछ सो मेरी यह राय है नजिठण वास्ते केंद्र सरकार को भी जान ते आप भी बजट सैशन बनाए राय प्रधान जी एक गल की किसानों की एक कि मजदूर की एक व्यापारी वर्ग की गल की किसी लीडर ने गल नहीं की व्यापारी वर्ग को किस तरह राहत मिलेगी इस तरह मैं तो कहा कि व्यापारी जिहड़ा वर्ग है उन्होंने 2 लाख रुपया एक दुकानदार को देना चाहिए जिहड़ा किराने वाला सी समान सी जिन्होंने पानी वड़ गया उहदा 2 लाख का घट्टो घट्ट नुकसान व्यापारी की गल की कि GST पहला GST का इंस्पैक्टरी राज खत्म हो फिर असी ये पिछे लड़ाई भी लड़ांगे आ जिहड़ा ईडी लाती है GST ते ये ईडी देख रेख करूगी जिहड़े सेठ ते कोई GST का इधर उधर कोई 500 रुपया या 5,000 हो गया तो ईडी आ गई बस ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤਰੀਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧੜਾਧੜ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਰੌਡ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 7-7 ਮਹੀਨੇ 1,000 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੰਡੇਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ
देख लियो जो मैं अज कहना विजय सिंगला बरी हो जाए क्योंकि वह ड्रामा रचा हुआ सारे का सारा हूँ लोगों कोई उत्तेजना नहीं भी फलाना फड़ लिया विजिलेंस ने फलाना वो कहते रूटीन का काम ही है तड़के उठते सर किसी ना किसी की खबर लगी पई होनी सर मोगा के थोड़े जे एम सी आर जो करप्ट लोग है जिन्होंने लुटिया है उन्होंने तो किसी ने हाथ ही नहीं लाया ये तो कल्ली कांग्रेस ही नजर आ रही है कल्ली कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस ही एक तोड़ रह गई है आम आदमी पार्टी का पंजाब इस करके फलाना कांग्रेस यहाँ मतलब तीन महीने जोड़ा मंत्री रहा है मुख्यमंत्री रहा है वह तो चोर है जरा दस साल रहा है जरा पांच साल रहा है मेरे कहने का मतलब यह भी साढ़े वाले तो चोर बनाते यही क्योंकि असं